एमआई को मिली एक और हार, क्या आईपीएल 2024 से मुंबई हो गई बाहर? जी हां, पांच बार आईपीएल विजेता रही टीम का सफर आईपीएल 2024 से खत्म होने को है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैसा था मुकाबला और मुंबई की हार के गुनहगार कौन कौन हैं। आज जो मैच खेला गया राजस्थान रॉयल्स वर्सेज मुंबई इंडियंस का, उसमें टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या पहले बैटिंग का निर्णय लेते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल के बॉलर्स के सामने रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव की बैटिंग बहुत बेकार रहती है और तीनों जल्दी ही आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद तिलक वर्मा और नेहल वडेरा ने टीम को संभाला और तिलक वर्मा ने 65 रन बनाए और नेहल वडेरा ने 49 रन बनाए। लेकिन अपने आप को मैच विनर और मैच फिनिशर मानने वाले हार्दिक पांड्या बैट और बॉल दोनों से ही फ्लॉप साबित हुए। ऐसे तैसे मुंबई इंडियंस ने 169 रन का लक्ष्य हासिल तो कर लिया। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल की बैटिंग की। जी हाँ, उनकी बैटिंग इतनी शानदार थी कि राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच सिर्फ एक विकेट खोकर ही जीत लिया है। राजस्थान रॉयल की जीत के हीरो जो रहे हैं उसमें यशस्वी जायसवाल और दूसरा बॉलर संदीप शर्मा रहे हैं। जी हाँ, यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 60 गेंदों में 104 रन बनाए। जी हाँ, संदीप शर्मा ने 4 ओवर में मात्र 18 रन देकर 5 विकेट चटकाए और मुंबई इंडियंस की कमर तोड़ दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस को अब क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।